नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस की गंभीर चूक का मामला सामने आया है। इसके साथ ही विकास दुबे को अधिकारियों का संरक्षण मिलने की भी बात कही गई है। दरअसल ये बातों का जिक्र एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है। 3200 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट पर शासन में मंथन शुरू हो गया है। दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, शेष पर जल्द कार्रवाई होने की संभावना है। एसआईटी को कुल 9 बिंदुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार जिन 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई, उनमें से 60% पुलिस विभाग के ही है, शेष 40% प्रशासन, राजस्व, खाद एवं रसद तथा अन्य विभागों के। रिपोर्ट में प्रशासन व राज्य विभाग के अधिकारियों के स्तर से भी कुख्यात विकास दुबे को संरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। दागियों को शस्त्र लाइसेंस, जमीनों की खरीद फरोख और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश न लगाए जाने के कई मामलों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें, गत 2 जुलाई को बिकरू कांड में 8 पुलिस कर्मियों के मारे जाने और 10 जुलाई को मुख्य अभियुक्त गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद 11 जुलाई को एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें एडीजी एचआर शर्मा और डीआईजी जे रविंद्र गौड़ सदस्य बनाए गए थे। एसआईटी को पहले 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया। हालांकि जांच का दायरा व्यापक होने के कारण एसआईटी के अनुरोध पर फिर समय सीमा बढ़ाई गई। अंततः लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय लेने के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बीच एसआईटी ने विकास दुबे और उसके गैंग के सहयोगियों की संपत्तियों और उसके सहयोगी रहे सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के बारे में भी दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए। साथ ही घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के साथ ही गहन अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच भी की। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।